हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में जो है हम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब हमने जब टैक्सोनॉमी को इतनी डिटेल में पढ़ ही लिया है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी की भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें अपन, सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है, महत्व टैक्सोनॉमी का, महत्व टैक्सोनॉमी का महत्व, ठीक है, इसकी बात करें अपन। इसके अंदर जो है टैक्सोनॉमी के बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूज लिए जा सकते हैं। जैसे जो टैक्सोनॉमी है ना, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, जैसे कल एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर भी हम यूज में ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में कैसे, तो एग्रीकल्चर में जो पेस्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट मतलब, अब पेस्ट से यहाँ पे मतलब है जैसे इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, उनको अपन बोल देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो पेस्ट मैनेजमेंट जो है अपने, उसके अंदर अपने टैक्सोनॉमी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन पेस्ट मैनेजमेंट, इन पेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले तो पेस्ट मैनेजमेंट में जो है टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कैसे कर सकती है, जैसे पेस्ट मैनेजमेंट के दो तरीके हैं। एक तो हम क्या करें, पेस्ट के लिए जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो ले आए, ठीक है, और वो डाल करके पेस्ट को ख़त्म कर दें, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, बट ये वाला तरीका थोड़ा हार्मफुल है, क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड डालते हैं ना, तो वो ह्यूमन के ऊपर भी एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा अब ह्यूमन के ऊपर भी। बट हमें क्या चाहिए कि वो ह्यूमन के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट भी पैदा ना हो, ठीक है, और उस पेस्ट का हम मैनेजमेंट भी कर लें, पेस्ट भी ख़त्म कर दें। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि बायोलॉजिकली हम उसको ट्रीट करें, बायोलॉजिकल कोई ऐसा सिस्टम निकालें ढूंढ के, जिससे क्या हो जाए कि पेस्ट का मैनेजमेंट भी हो जाए और हमारी जो क्रॉप है वो भी एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ती रहे, और उसके ऊपर हमें कोई पेस्टिसाइड का यूज़ भी ना करना पड़े, जिससे कि हमारी हेल्थ के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल सिस्टम को अचीव करेंगे। बायोलॉजिकल सिस्टम को अचीव करने के लिए ना, हमें टैक्सोनॉमी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। टैक्सोनॉमी की नॉलेज के लिए, जैसे टैक्सोनॉमी कैसे चाहिए, हमें नॉलेज होनी कैसे चाहिए, इसको देखें पर अगर, तो जैसे बायोलॉजी में या टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी एनवायरमेंटल टैक्सोनॉमी में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस देख रहे होते हैं अपन, कि कौन सा वाला प्रीडेटर है, कौन सा वाला प्रे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें अगर ध्यान होगी कि ये जो पेस्ट है इसका प्रीडेटर ये वाला ऑर्गेनिज्म है, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे, उस ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। कैसे, तो इन नेचुरल सिस्टम, इन नेचुरल सिस्टम प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप, आर रिलेशंस आर फाउंड, सो
वी कैन यूज द नेचुरल प्रीडेटर्स नेचुरल प्रीडेटर्स प्रीडेटर्स फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल प्रीडेटर्स को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक काम। दूसरा हम और क्या कर सकते हैं, तो दूसरा जो है अपना एक सिग्निफिकेंस तो ये हो गया, एक इंपॉर्टेंस तो ये हो गई कि टैक्सोनॉमी को हम यूज में ले सकते हैं पेस्ट मैनेजमेंट में। दूसरा जो है हम क्वारंटाइन में क्वारंटाइन में भी जो है टैक्सोनॉमी को हम यूज में ले सकते हैं। कैसे, जैसे बात करें अपन क्वारंटाइन के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक वायरस है, ठीक है, कोविड वायरस आया जैसे, ठीक है, इंडिया में उसने एंट्री ली, इतने सारे पेशेंट्स उसके हो गए थे देश के अंदर कि मतलब पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन कौन से पेशेंट है, ठीक है, तो उनको डिटेक्ट करना पड़ रहा था, साथ के साथ में उनका इलाज भी तो करना था। तो जो इलाज करने की जो प्रोसेस थी उसके अंदर हम क्या कर सकते थे, जैसे कोई प्लांट का नॉलेज हमें है कि ये वाला प्लांट जो है ये वाले करेक्टर के लिए यूज में आता है, ठीक है, तो वो प्लांट हम जो है उसको वहाँ पर क्वारंटाइन के टाइम पर काम में ले सकते हैं। ठीक है, कौन से वाले, जैसे अपन ये भी बात कर सकते हैं कि हमें अगर ऑर्गेनिज़म्स के रिलेशंस की बात पता हो, उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे और साइटोलॉजिकल लेवल पर अगर हमें डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज का पता हो, तो हमें ये भी पता चल सकता है कि कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म जो है अगर ह्यूमन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गया तो वायरस का कैरियर बन सकता है। ठीक है, वायरस का कैरियर तो बन ही सकता है, तो वायरस का कैरियर बन सकता है, या कौन से वाले ऑर्गेनिज्म को जो है ह्यूमन से वायरस के अंदर ट्रांजिशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है ह्यूमन से उस एनिमल के अंदर, ये इन्फेक्शन किस किस में हो सकता है, अगर हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे ये सारी चीज़ें पता है तो हम इसका भी डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन पता लगा सकते हैं, तो जो अगर टैक्सोनॉमी का हमें नॉलेज होगा तो हम सारी चीज़ों का पता लगा लेंगे, जो भी हमें प्लांट है, इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं, इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं, उन सारी चीज़ों का हम पता लगा लेंगे क्वारंटाइन के टाइम पर, जो हमें बहुत ही ज़्यादा काम में आ सकते हैं। कंट्री के एनिमीज़ को डिटेक्ट करने में भी हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी को तो ये हो गया, उसके अलावा और क्या, तो जो अगला है अपना मेडिसिन फॉर्मेशन में भी अपन बना सकते हैं, टैक्सोनॉमी को काम में ले सकते हैं। मेडिसिन के मामले में भी अपन क्या कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी को काम में ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा और क्या हो गया, तो फिशरी, फिशरीज में, फिशरीज मतलब मेडिसिन में, फिशरीज में, फिशरीज में जैसे जो फिश है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है हम ऐसे स्पीसीज को, ऐसे इंसेक्ट स्पीसीज को या जो नॉर्मल लोअर ऑर्गेनिज्म है उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो फिशेज के लिए अच्छे से फूड का भी काम करे और हमारे लिए हार्मफुल है तो उनको भी अपन ख़त्म करवा सके फिशेज के लिए, फिशेज से। ठीक है, तो फिशरीज में भी अपन क्या कर सकते हैं, ये जो टैक्सोनॉमी इसको काम में ले सकते हैं फिश के प्रोडक्शन में। ठीक है, ये हो गया, इसके अलावा और क्या, तो ये एकेडमिक स्टडीज जो होती है, एकेडमिक स्टडीज जो होती है उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी को यूज में ले सकते हैं। एंड अदर यूजफुल फील्ड्स, अदर यूजफुल फील्ड्स, इनके अंदर हम जो है
टैक्सोनॉमी को काम में ले सकते हैं। ये हो गया अपना सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके बाद अपन बात करें एप्लीकेशंस ऑफ टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी के जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या है उनकी अपन अगर बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ टैक्सोनॉमी। एप्लीकेशंस ऑफ टैक्सोनॉमी इसकी बात करें अपन, तो जो एप्लीकेशंस है वो बहुत सारे वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं टैक्सोनॉमी के। तो सबसे पहला अपन अगर बात करें तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में टैक्सोनॉमी इन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन टैक्सोनॉमी जो है वो किसमें काम में आ रही है, एक तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में। जैसे टैक्सोनॉमी जो है वो डिफरेंट यूजुअली किसमें काम में आ सकती है, टैक्सोनॉमी यूजुअली रेफर्स टू द थ्योरीज एंड प्रैक्टिस to describing calling and categorizing लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज करने में भी क्या हो सकती है, टैक्सोनॉमी काम में आ सकते है। कैटेगराइजिंग लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज करने में जो है टैक्सोनॉमी अपने काम में आ सकती है। क्या क्या काम में आई, तो एक तो डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके कॉलिंग के लिए, ठीक है, उसके कैटेगराइज करने के लिए उसको, और एक जो थ्योरीज और प्रैक्टिस है उनके लिए भी काम में आ सकती है टैक्सोनॉमी जो है ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में इस तरह से काम में आ सकती है। ठीक है, ये जो वर्क है जो हमने किया, ये सारा का सारा डिस्क्राइबिंग कॉलिंग कैटेगराइजिंग लिविंग थिंग्स है ना, ये जो वर्क है सच वर्क्स such work is necessary necessary for the fundamental understanding of biodiversity की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग अगर हमें चाहिए तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी जो कॉलिंग है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसकी प्रैक्टिस क्या क्या थी, वो सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, बायोडायवर्सिटी के बारे में फंडामेंटल इंफॉर्मेशन के लिए हमें पता होनी चाहिए एंड इट्स कंजर्वेशन, इसके कंजर्वेशन के लिए भी हमें यही चीज़ें पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो टैक्सोनॉमी ने सबसे पहला रोल प्ले किया इसके अंदर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर। दूसरा जो अपन बात करें, दूसरा रोल क्या है, ठीक है, तो दूसरा रोल जो है, दूसरा रोल जो है अपना बायोलॉजिकल कंट्रोल में, टैक्सोनॉमी इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी क्या कर सकते हैं हम, टैक्सोनॉमी को काम में ले सकते हैं। इसका एप्लीकेशन जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में कैसे, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में ऐसे जैसे हमने पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या है, एक तरह का बायोलॉजिकल कंट्रोल ही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकली उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्रीडेटर, उसके जो एरिया है जिसके अंदर हम पेस्ट मैनेजमेंट करवाना है, वहां पर हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके प्रीडेटर को, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है ना, इस वाले मेथड को अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल, अगर हम केमिकल को यूज में लेते तो वहां पे बोल देते क्या, केमिकल कंट्रोल, बट हम यहाँ पे क्या काम में ले रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल जो प्रीडेटर है उसको हम उसके कंट्रोल के लिए काम में ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोल दिया बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो टैक्सोनॉमी taxonomy is also useful in biological control control of insects। They are natural enemies। Through their natural enemies, जैसे हमें क्या करना है, पेस्ट मैनेजमेंट करना है, तो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उसके नेचुरल एनिमी को ढूंढेंगे, जो भी पेस्ट है उसके नेचुरल एनिमी को ढूंढेंगे, और नेचुरल एनिमी को वहां पर इंट्रोड्यूस करवा करके हम क्या कर देंगे, पेस्ट मैनेजमेंट स्टैब्लिश करवाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई अपनी दूसरी। इसके बाद अपन बात करें तीसरा, इसका सिग्निफिकेंस, तीसरा इसका एप्लीकेशन है क्या, तीसरा एप्लीकेशन है अपना, तीसरा एप्लीकेशन हो गया अपना टैक्सोनॉमी to combat invasive alien species, invasive alien species, जो invasive alien species है उनके ऊपर अगर हमें कॉम्बैट करनी है, उनके ऊपर हमें वाद संवाद करना है, ठीक है, उनके बारे में हमें बात करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो जो टैक्सोनॉमी है ना उसकी हेल्प से हम जो है एलियन इन्वेजिव स्पीसीज जो है उनके ऊपर अपन कॉम्बैट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो है ये वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन is vital, is vital for firms, for firms and border authorities, border authorities border authorities to find
कॉमा मैनेज एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। कंट्रोल इन्वेसिव स्पीसीज या एलियन स्पीसीज, एलियन स्पीसीज, जो भी एलियन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है उसके लिए जो है टैक्सोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अथॉरिटीज, जो बॉर्डर अथॉरिटीज है उनके लिए, एंड जो फर्म्स हैं जो एलियंस के इन्वेजन को रोकने के लिए काम करती रहती है उनके लिए जो है टैक्सोनॉमी एक बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है उसके ऊपर कॉम्बैट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए कि ये वाली क्या है। टैक्सोनॉमिक डाटा के हिसाब से जो है ये स्पीसीज एलियन स्पीसीज है या वहाँ की एंडेमिक या पेंडेमिक स्पीसीज है, दूसरी जगह से आ रही है या मतलब धरती की ही है या धरती के बाहर से आ रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, और कैरेक्टर्स अगर मैच करते हैं तो वो स्पीसीज धरती की है, अगर मैच नहीं करते हैं तो वो कहाँ की है, बाहर की है, उसको हम क्या बोल देंगे, एलियन स्पीसीज, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, ठीक है। और क्या कर सकती है, तो टैक्सोनॉमी हेल्प्स इन, इस तरह से क्या कर सकती है टैक्सोनॉमी, जो एलियन स्पीसीज है उनके आइडेंटिफिकेशन में भी काम कर सकती है, हेल्प कर सकती है, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये काम कर सकती है टैक्सोनॉमी जो है, हेल्प कर सकती है। इसके अलावा अगर अपन अगले इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन की बात करें, अगला जो एप्लीकेशन है वो है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में। टैक्सोनॉमी इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में भी जो है टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। एक और क्या कर सकती है, तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में भी टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। टैक्सोनॉमी इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, जो कि हम पिछले कुछ जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसके अंदर हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में वाइल्ड लाइफ जो है मैनेजमेंट जो है उसके अंदर कैसे टैक्सोनॉमी रोल प्ले कर रही है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में भी क्या करती है, टैक्सोनॉमी रोल प्ले करती है। एक तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री हो गया और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हो गया, इनके अंदर जो है टैक्सोनॉमी मेन रोल प्ले कर रही होती है। ये तो बात हो गई अपनी अभी तक की सारी, ठीक है। इसके बाद अपन अगर बात करें के बाद अपन अगर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज जो है अपना मैनुअल बेसिस ऑफ हिस्टोसिस्टमैटिक्स, मैनुअल बेसिस ऑफ हिस्टोसिस्टमैटिक्स एंड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। बेसिस ऑफ हिस्टोसिस्टमैटिक्स हिस्टोसिस्टमैटिक्स एंड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। एंड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसकी बात करें अपन
कि मैनुअल बेसिस ऑफ हिस्टोसिस्टमैटिक्स एंड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हमें इसकी ज़रूरत क्या है? तो इसकी ज़रूरत है हमें टू फाइंड आउट the true nature of an animal एक एनिमल के ट्रू नेचर को अगर हमें जानना है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज है उनकी जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है, इसके मैनुअल बेसिस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो बोथ इट्स टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स सिस्टमैटिक स्टडीज आर अंडर टेकन टू फाइंड फाइंड आउट द फॉलोइंग टाइप्स फाइंड आउट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स ठीक है। तो ये जो है, मतलब अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म के ट्रू नेचर को हमें जानना है,